नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में स्वार्थ सिद्धि के लिए एक 24 वर्षीय युवक का जीवन बर्बाद करने वाला घिनौना कृत्य सामने आया है। यहाँ कुछ किन्नरों ने मिलकर एक युवक का गुप्तांग काट दिया। युवक कुलदीप एक बहुत अच्छा डांसर है, इसलिए उसे स्थायी रूप से अपने साथ रखने के लिए उसे किन्नर बनाया गया और उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। कुलदीप ने बताया कि उसे एक कार्यक्रम में भाग लेने के बहाने काला आम से हरियाणा के बिलासपुर ले जाया गया। वहां उसे पहले नशीली दवा पिलाई गई, फिर उसकी अनुमति के बिना उसका लिंग काट दिया गया। यही नहीं, इस घटना के 2-3 बाद ही उसे एक गाड़ी में बिठाकर काले आम के समीप अकेले भी छोड़ दिया गया। अब हालात यह है कि कुलदीप के साथ हुए इस अमानवीय कृत्य की अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है और ना ही उसका किसी अस्पताल में इलाज हो रहा है। कुलदीप का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, लेकिन गरीबी के चलते उसका इलाज नहीं हो पा रहा। हालांकि पोंटा पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज कर हरियाणा के बिलासपुर थाने को फॉरवर्ड की है, लेकिन हरियाणा में इस घिनौने कृत्य की FIR दर्ज हुई है, ना ही आरोपी को पकड़ा गया है। लिहाजा पीड़ित कुलदीप के परिजनों की सहायता करने वाला कोई नहीं है। माँ का कहना है कि बेटे के इलाज और न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन गरीब की गुहार कोई नहीं सुन रहा। पुलिस का कहना है कि घटना को हरियाणा के बिलासपुर में अंजाम दिया गया था, लिहाजा मामला बिलासपुर का है। पोंटा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि बिलासपुर थाने को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी गई है, आगे की कार्रवाई वहीं संभव होगी। बता दें, अपना पुरुष गवा कर बिस्तर पर पड़ा यह युवक कभी अच्छा डांसर हुआ करता था, लेकिन कुलदीप का यही शौक उसके पुरुषत्व पर भारी पड़ा और आज उसकी जान पर बनाई। जी मेरा बेटा है और ये जी उनके पास रहता था, बबली के पास, ये जी वहाँ डांस डूस करता था और आज मेरे बेटे के इन्होंने ये हालत कर दिए। ना कुछ इलाज, हम गरीब आदमी, हम कैसे इलाज करें। नहीं इनके पापा है, नहीं हमने कैसे पाला है, मैंने कैसे पोसा। इसके पापा को 15 साल मरे हुए हो गए और आज मेरे लड़के की ऐसी हालत कर दी उसने। आपको मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि उसका कुछ करो, ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी अब कैसे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये कैसे जिएगा, क्या होगा इसका। या तो मेरी उसको बोलो कि मेरे बेटे को वापस जैसा था ऐसा कर दो, या आपसे मेरी विनती है कि कुछ इसका हिसाब करो। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं अपने आप भी झाड़ू पोछा कर दूँ कंपनी में। मैंने कैसे कैसे इनको पढ़ाया, कैसे नहीं पढ़ाया। अब उसने ये बहुत गलत किया है मेरे लड़कों के साथ, कि यहाँ से वो लेगी कि मेरे साथ चल और हमने पार्टी में जाना है, वहाँ जाके उसने मेरे बेटे को नशे की दवाई खिला दी और आज मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी। अब आप ही कर सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो। हम तो गरीब हैं, हम तो कंपनी में काम करते हो, 6,000 की नौकरी करते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से वो बोलते मेरे पास तो इतना पैसा है, अब भी नहीं तेरे को कह रहा छोड़ूंगी मैं, अब भी तेरा कुछ करूंगी, तू कह रहा कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। इतनी विनती है मेरी आपसे। पुलिस स्टेशन में हम गए थे सुबह गए थे, जो इसकी रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट लानी थी, तो हम गए तो उन्होंने, हमने बोला कि जो मेरे लड़के की रिपोर्ट है, मेरे लड़के के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे वो रिपोर्ट दे दो। तो बोला है कि ये रिपोर्ट यहाँ नहीं है, हमारे पास नहीं है, और ये रिपोर्ट हमने नहाण भेज दी है। तो हमने उनको बोला है कि आपके पास भी एक कॉपी होती है, ऐसे कि आपने सारी भेज दी, एक कॉपी हमें दे दो, एक कॉपी आपने भेज दी होगी। तो मेरे साथ इसकी बुआ थी दूसरी, फिर हम बोलने लगे कि मेरे लड़के की 4 दिन से ये हालत है, ना हम दवाई, ना पट्टी, ना कुछ, ना हमारे पास पैसा, ना कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो बोला है कि ज़्यादा मत बोलना, करा बाहर कर दो इनको यहाँ से, ज़्यादा मत बोलना, कह रहा बाहर कर दो। फिर हमने इसको फ़ोन किया, फिर बोला है बेटा ऐसे ऐसे बात ऐसे बोल रहे, फिर लड़का कैसे कैसे वहाँ पे लेके आया उसको, फिर ये वहाँ पे रोने लग गया कि मैं तो यहीं मर जाऊँगा। तब उन्होंने बोला कि 7 बजे आना, 7 बजे हम आपको कॉपी दे देंगे। फिर हम 7 बजे गए, फिर हमने हमारे को उन्होंने कॉपी ला के दे दी। मेरा नाम कुलदीप है, मैं पोंटा शहर में रहता हूँ। 1 साल से मैं हिजड़ों में रहता था, इधर कालाम, बिलासपुर, बबली के पास, और कालाम में जो पायल है उर्फ सुरेश उसके पास रहता था। तो इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि तू अपना लिंग परिवर्तन करा दे तब हमारे साथ रहना। तो मैंने इनको छोड़ दिया था, मेरे को हो गए 3-4 महीने इनसे अलग हो के। तो
तो ये इन्होंने मेरे को धोखे से बुलाकर यहाँ से मुझे ले गए और आगे जाके बिलासपुर ले जाके बबली और पायल ने मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक में नशे की चीज़ मिलाकर मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे पता नहीं चला, मुझे तीन चार शायद कितने दिन बाद होश आया तो मुझे पता चला कि मेरा लिंग परिवर्तन हो चुका है। और जब जाते वक्त वो लोग सब मेरे साथ थे, लेकिन जब मुझे वापस छोड़ा गया कोल्लर चौक पर तो उस गाड़ी में सिर्फ दो लड़के थे। मुझे ये नहीं पता ये मेरे साथ कब हुआ कैसे हुआ, लेकिन मुझे ले जो बबली और पायल, बबली उर्फ बब्बल जो बिलासपुर से है और पायल उर्फ सुरेश जो कालाम से है, इन्होंने मेरा लिंग परिवर्तन कर दिया है। इन्होंने ना मेरा कोई ट्रीटमेंट करवाया, मेरा लिंग परिवर्तन करके मुझे छोड़ दिया। जब आप पुलिस के पास गए, हाँ जी, आप पहले कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए और क्या हुआ इस मेरी को? सबसे पहले तो जी मैं कालाम पुलिस के पास गया। कालाम पुलिस वालों ने बोला ये मामला तो तुम्हारे पौंटा साहिब का है, तो पौंटा साहिब का बच्चा है, वहीं दर्ज होगा तेरा केस। तो फिर जब मैं पौंटा साहिब पुलिस के पास आया तो उन्होंने भी कुछ नहीं, पहले अपनी बातों में लगे रहे, ना कोई मेरी बात सुनी। जब मुझे चक्कर आने लग गए तब जाके मेरी बातें सुनने लग गए हो, और उन्होंने फिर बोला, हंसी उड़ाने लग गए कि अब तो तेरी ज़िंदगी तो ख़त्म होगी, तुझे तो हिजड़ा बना दिया। मेरी खिलियाँ उड़ाने लग गई, हंसी उड़ाने लग गई। तो बाद में फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके तो कहने लगी, हाँ तो हम तेरा कुछ नहीं कर सकते, तू बिलासपुर जा। तो मैंने बोला बिलासपुर जाने के तो मैं काबिल नहीं हूँ, अभी मेरे बहुत बुरे बुरे हाल हैं, आप ऐसा करो आप FIR दर्ज करके उनको यहीं बुला लो, उन लोगों को। तो वो कह रहे नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये तो मामला बिलासपुर का है, बिलासपुर ही होगा। तो ना उन्होंने मेरी मेडिकल रिपोर्ट दे रहे थे, तो ना मेरी मेडिकल रिपोर्ट दे रहे थे, कुछ भी नहीं दे, ना मेरी FIR दे रहे थे। पौंडा थाने में मेरी मम्मी और बहन गए कि हमारे बच्चे का तुम इंसाफ नहीं करोगे, तो इनके साथ भी बदतमीजी करने लगी वहाँ पे लेडीज़ पुलिस। इन्होंने बोला कि चार दिन हो गए अभी तुम मेरे, हमारा बच्चा तब करोगे तुम जब मर जाएगा, तो वो बदतमीजी करने लगे। फिर जी मैं गया वहाँ पे जैसे कैसे, तब जाके उन्होंने बोला कि जब मीडिया से मुझे सहायता मिली तो मीडिया के डर से फिर इन्होंने मुझे रिपोर्टें मेरी दे दी, FIR भी और मेरा मेडिकल भी दे दिया। नहीं तो पहले मना कर रहे थे देने से कि वो हमने नान थाने में भेज दिया, आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअली तीन दिन पहले जो है कुलदीप नाम का जो व्यक्ति है वो किन्नर बता रहा था अपने आप को, यहाँ पे आकर के रिपोर्टिंग करा कि उसके साथ एक पायल नाम की किन्नर है जो कि कालाम में रहती है, वो लोग इकट्ठा प्रोग्राम करते थे। तो उस दिन भी वो लोग पंजाब की तरफ जा रहे थे प्रोग्राम करते हुए, तो जब वो बिलासपुर हरियाणा पहुँचे, जो उसने बताया कि हरियाणा बिलासपुर पहुंचते उसने कोई ऐसा पेय पदार्थ पिलाया उसको, जिसके बाद उसको पता नहीं चला और उसने ये एलिगेशन लगाया कि उसका लिंग उन्होंने काट दिया। तो हमने जो है उसका बाकायदा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, MLC काटी, और जो मैटर, क्योंकि ये मैटर जो है थाना बिलासपुर हरियाणा का पड़ता था, तो हमने ये मैटर को प्रक्रिया अनुसार फॉरवर्ड SHO बिलासपुर को कर दिया है, और बाकायदा मेरी SHO बिलासपुर से बात हुई उनसे, तो ये मैटर अब वो लोग डील कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।